नमस्कार, आप देख रहे प्रभात खबर की मॉर्निंग बुलेटिन। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब ढाई महीने से जारी आंदोलन के बीच आज किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे। वहीं किसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ही रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने अपने जगहों पर चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। यूपी और उत्तराखंड के किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में 1,00,000 किसान स्टैंड बाई में रहेंगे। 26 जनवरी को निकली किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। नई दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में डीसीपी ने दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से जरूरत पड़ने पर 12 मेट्रो स्टेशन बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। डीसीपी ने शॉर्ट नोटिस पर जिन 12 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है, उनमें राजीव चौक और केंद्र सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल करने के भारत सरकार के फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल सेवा शुरू हो रही है। देर आए दुरुस्त आए। पुडुचेरी में 5 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का प्रस्ताव देने वाले एक 43 साल के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पुलिस की गिरफ्त में आए व्यक्ति ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने का प्रस्ताव दिया था। उसने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि यदि उसे कोई 5 करोड़ रुपए देगा तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या कर देगा। पुलिस ने शुक्रवार को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार की रात को कोलकाता के दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने उनका स्वागत किया। नड्डा आज नवदीप से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को 4% रेपो रेट को बरकरार रखने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने निवारक रवैया बरकरार रखा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रिवर्स रेपो रेट भी नहीं बदला गया है और वह अभी 3.35% है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2022 वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 10.5% होगी। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सदन में कृषि कानून पर चर्चा के दौरान कानून पर सवाल के जवाब दिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में दिए गए मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भाषण के लिंक को शेयर किया। उन्होंने लोगों से इस स्पीच को सुनने की अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि सुधार कानूनों से जुड़े प्रत्येक पहलू को लेकर विस्तार में जानकारी दी है। मेरा विनम्र निवेदन है कि उनकी यह स्पीच जरूर सुने। दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के आवेदन को वापस ले लिया है। ब्रिटेन और बहरीन में अनुमति मिलने के बाद फाइजर ने भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। कंपनी के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा कि फाइजर ने 3 फरवरी को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में हुई बातचीत के बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अतिरिक्त जानकारी मांगी थी, जिसके बाद कंपनी ने आवेदन वापस लेने का फैसला किया। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।